बहुत समय पहले लगभग 2000 साल जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था जो अब इज़राइल का एक हिस्सा है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसके मन में यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर
उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानते ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को घर ले आऊंगा। उस समय मेरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। मेरी का बच्चा पैदा हुआ। मेरी ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और भगवान को धन्यवाद दिया, एक स्वस्थ बच्चे का अद्भुत उपहार। उसने उसे रखने के लिए उसके चारों ओर एक गर्म कपड़ा बांध दिया। मेरी के पास बच्चे को लिटाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरी ने उसे नरम सूखी घास, जो जानवरों के खाने के लिए रखी गई थी, उस पर रख दिया। मुलायम घास ने बच्चे के बिस्तर के रूप में कार्य किया। यूसुफ और मेरी ने बच्चे का नाम परी का बताया हुआ ही रखा, यीशु।
जन्म हुआ तो आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया। कुछ समझदार पुरुषों ने एक दूर के स्थान से तारे को देखा और तुरंत अनुमान लगाया कि इसका क्या मतलब है। वे बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने पुराने लेखन का अध्ययन किया था और जानते थे कि जब एक उज्जवल और महान राजा का जन्म होगा तो नया तारा आकाश में दिखाई देगा। अब यह तारा सीधा उस स्थान पर चमक रहा था जहां यीशु ने जन्म लिया था। यीशु तक पहुंचकर वे लोग बहुत खुश थे। वे नीचे झुक गए और उनकी पूजा की। उन्होंने सोने, लोबान और अपने सारे उपहारों की पेशकश की। यह यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी है। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
की भावना का अर्थ है प्रेम। एक समय जब भगवान हमारे साथियों के लिए प्यार, हमारे विचारों से घृणा और कड़वाहट को दूर करते हैं। एक समय जब हमारे कर्म ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। टकाटकी लगाए दरवाजे पर बैठे हैं वो अभी, इंतजार में दूर किया तुमने उन्हें, पर तुम अभी हो उनकी दुआओं में। समय नहीं लगता जरा भी चक्र वक्त का घूमने में, भविष्य खुद का देखो एक बार वृद्धाश्रम के इस कमरे में। आज मेरा बेटा और मेरा पोता मुझे मिलने आ रहे हैं, शायद वो मुझे अपने साथ ले जाए। दादी दादी आप कैसे हो? माँ ये लो तुम्हारे इस महीने के खर्चे के लिए पैसे। क्यों क्यों दादी हमारे साथ नहीं आ सकती? हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम उनकी देखभाल कर सके। चलो पढ़ाई करो। बेटा क्या कर रहे हो? मैं कई चीजों की लिस्ट बना रहा हूँ। कौन सी चीजें बेटा? आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा, तब आपको भी कई चीजों की जरूरत होगी ना, तो वही लिस्ट मैं बना रहा हूँ। सॉरी बेटा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। चलो हम तुम्हारी नानी को अभी घर ले आते हैं। दिस इज द क्रिसमस जॉय ऑफ लाइफ।